तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं था मंडे नाइट रॉक एपिसोड। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज के बाद आज हुए रॉक एपिसोड की कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस शो की स्टार्टिंग हमें एडम पियर्स और मैन सर्वाइवर सीरीज टीम के भी देखने को मिलती है, जहाँ पर गाइस एडम पियर्स कहते हैं कि रॉक की टीम ने काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की, जिस वजह से उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और गाइस यहाँ पर सभी सुपरस्टार बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच के लिए, और गाइस आपस में बहस करते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। जिसके बीच एडम पियर्स कुछ अनाउंस करने वाले थे, लेकिन तभी ब्रॉन स्ट्रोमन ने उन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को बिल्डिंग के बाहर निकाल दिया गया और उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद गाइस यहाँ पर एडम पियर्स अनाउंस करते हैं कुछ सीरीज ऑफ मैचेस, जहाँ पर गाइस हमें मैट रिडल शेमस उसके अलावा एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन के बीच और बॉबी लैशली एंड कीथ ली के बीच मैचेस देखने को मिलेंगे। और गाइस जो भी इन मैचेस को जीतेगा वो नेक्स्ट वीक ट्रिपल थ्रेड मैच में जगह बनाएगा और आपस में लड़ेंगे, और वो सुपरस्टार जो जीतेगा उस मैच को वो चैलेंज करेगा ड्रू मैकइंटायर को TLC। तो वैसे उस हिसाब से मैचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और सबसे पहले हमें रिडल और शेमस के बीच मैच देखने को मिला, जहाँ पर गाइस काफ़ी अच्छे बैटल में यहाँ पर रोल अप कर रिडल इस मैच को जीत गए। लग रहा था कि शेमस जीतेंगे, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा गाइस कीथ और बॉबी लैशली के बीच हमें मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर गाइस मुझे तो लग रहा था कि शायद बॉबी लैशली इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन गाइस हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी कोशिश करते हैं बॉबी लैशली, यहाँ पर MVP भी इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन इन दी एंड बॉबी लैशली हारने वाले थे कीथ ली से, लेकिन तभी यहाँ पर लेकिन MVP अटैक कर देते हैं कीथ ली पर, जिस वजह से गाइस डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए मैच एंड हो जाता है और कीथ ली यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके अलावा गाइस हमें शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस न्यू डे के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था, और जब पहली बार ये मैच होता है तो काउंट आउट के जरिए पता नहीं क्यों रेफरी इस मैच को एंड कर देता है। उसके अलावा जब दूसरी बार फिर से मैच को रिस्टार्ट किया जाता है, तब गाइस यहाँ पर न्यू डे सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। उसके अलावा हमें आस्का और लाना के बीच भी रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, क्योंकि लाना सोल सर्वाइवर थी इसलिए उन्हें भी कुछ इनाम मिलना था, लेकिन गाइस ये मैच की स्क्रू एंडिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो साइड पर बैठी होती है नाया जैक्सन शेना बेजलर वो अटैक कर देती है आस्का पर, जिसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि लानर पर भी अटैक होने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर वो निकल जाती हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच, एक तरफ होती है लाना और आस्का की टीम और दूसरी तरफ होती है नाया जैक्सन शेना बेजलर। और गाइस अगर हम बात करें मैच के रिजल्ट की तो हमें देखने को मिलता कि आस्का शेना बेजलर को रोल अप कर इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत लेती है, और मैच खत्म होने के बाद नाया जैक्सन शेना बेजलर उन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं मिनिमेट की, जहाँ पर हमें रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल के बीच मैच देखने को मिला, जो कि गाइस ठीक ठाक सा मैच था, लेकिन गाइस मैच की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि द फीड आते हैं और गाइस वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन को, जिसके बत्तियाँ वापस से जगती हैं, तो यहाँ पर एजे स्टाइल लगा देते हैं फिनोमिनल फोरआर्म और 1-2-3 एजे स्टाइल इस मैच को जीत लेते हैं। और गाइस हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक रिडल वर्सेस कीथ ली वर्सेस एजे स्टाइल के बीच ट्रिपल थ्रेड मैच, और जो भी विनर होगा वो फेस करेगा ड्रू मैकइंटायर को TLC। लेकिन गाइस यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है क्योंकि रिसेंटली डेव मेल्ज़र ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के भी TLC में मैच देखने को मिलेगा फॉर WWE चैंपियनशिप। तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट वीक स्ट्रोमन रिटर्न करें, जिसके बाद एक ट्रिपल थ्रेड मैच को फैटल फोर वे भी बनाया जा सकता है। वेल होगा क्या वो तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। उसके अलावा गाइस रैंडी ऑर्टन और द फीड की भी हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक जो शो का बैड पॉइंट लगा वो ये कि ड्रू मैकइंटायर रॉ पर नहीं थे, जिस वजह से उनकी कमी खली, और गाइस ओवरऑल शो की बात करूँ तो मेरे हिसाब से एवरेज एपिसोड था। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा रॉ का रिव्यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो फिर मैं जाना, और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना आपको रॉ कैसी लगी, और गाइस साथ ही साथ आप सकते चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।